डेड लूप क्या है? 1972 के म्यूनिक ओलंपिक में जिम्नास्टिक मूव पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। 1972 के म्यूनिक ओलंपिक में ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता के शानदार प्रदर्शन के तुरंत बाद डेड लूप को जिम्नास्टिक से प्रतिबंधित कर दिया गया और फिर कभी उच्च स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में प्रदर्शन नहीं किया गया। नई दिल्ली, ओलंपियन ओल्गा कोर्बट के प्रतिबंधित डेड लूप जिम्नास्टिक मूव के वीडियो फुटेज के बाद इस साल की शुरुआत में इंटरनेट पर फिर से दिखाई दिया और तेजी से वायरल हो गया। नेटिजन्स हैरान रह गए कि इस कदम का क्या मतलब है और इसे पहले स्थान पर क्यों प्रतिबंधित किया गया था। डेड लूप एक क्लासिक जिम्नास्टिक चाल है जिसमें एक जिम्नास्ट हाई बार पर खड़ा होता है, बैकफ्लिप करता है और बार को फिर से पकड़ता है। कहने की जरूरत नहीं है, यह एक खतरनाक स्टंट है और अगर जिम्नास्ट अपने पैर को खो देता है या अंत में बार को पकड़ने में कामयाब नहीं होता है तो यह बहुत ही गलत हो सकता है।